यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की घोषणा की। राजभर ने बताया कि विधायक मुख्तार अंसारी से दो दिन पहले उनकी बांदा जेल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अंसारी का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा होने वाले चुनावों में सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को समर्थन दिया जाएगा। राजभर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी पर निर्भर करता है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान सामने आया है। पहले मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया और अब उनका साफ तौर पर कहना है कि बांदा जेल में मुलाकात के बाद अब वो साफ तौर पर ये समर्थन कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से उनको समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ ही वो उन पर निर्भर करता है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, दल बदल की राजनीति भी बखूबी देखी जा सकती है। ऐसे में जिस इलाके में जिसका प्रभाव ज्यादा है उसको अपने पाले में डालने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर ने किया है, जिन्होंने मुख्तार अंसारी जो कि बांदा जेल में बंद है, जेल में जाकर मुलाकात की और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्तार अंसारी आरोपी नहीं है क्योंकि उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। वो मसीहा है, वो दलितों, पिछड़ों और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका लगातार समर्थन करते आए हैं, उनके लिए मदद करते आए हैं। सुभाषपा प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयाराम जी, आखिर क्या करना चाहती है आपकी पार्टी? पहले मसीहा बनाते हैं, उसके बाद ऐलान कर देते हैं कि वो या तो गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं या उनकी मर्जी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को और आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। बार बार आपकी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया यानी मोदी मीडिया, बार बार मुख्तार अंसारी को ही दिखा रहे हैं। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया केवल एक ये मुख्तार अंसारी है? हमको बता दीजिए, अगर इस देश में कोई झूठने वाला और बोलने वाला एक नंबर का झूठा है तो देश के प्रधानमंत्री है। दूसरे नंबर का कोई झूठा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वो मैं साबित कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जितने माफिया है, अगर वाकई में काजल जी मेरी बात सुने, पहले बीच में ना रोका मैं, पहले सुनिए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वाकई में ईमानदार है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के जितने बदमाश माफिया है उनका एक लिस्ट जारी करिए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि माफियाओं का गैंग जो है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सारे बल्ले पड़े हुए हैं। आवाज उठाइए ना भार्गव साहब, जब आपने गठबंधन किया था तब आपको नहीं पता था? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे, तो आप मैं बताता हूँ 2017 के नवंबर में बांदा जेल में जब मुख्तार अंसारी थे तब मिलने गए थे, उसके बाद जब पंजाब में तब मिलने गए थे, उसके बाद सीतापुर जेल में तब मिलने गए थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री विधायक ओम प्रकाश राजभर जी। अरे तो कब की बात थी ना, आप कब की बात करिए, आप कब की बात करिए, आप कब की बात क्यों कर रहे हैं, आप की बात करिए ना, आप बताइए जो। अरे भाई मिलने मिलाने का फिल्म बराबर रहा है, नहीं तो मिलने नहीं बात है, मुख्तार अंसारी से राजभर का मिलना नहीं, तो ये तो सीधे सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है कि हमें जहाँ का जिसका ज्यादा इलाकों में वर्चस्व नजर आएगा हम उस पर दाव खेलेंगे, चाहे वो कोई माफिया है क्यों ना हो। तो फिर अभय मिश्रा के ऊपर क्यों नहीं चर्चा किया जाता? विजय सिंह कौन है, इनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? राजा भैया के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते, आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं काजोल जी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके ही माध्यम से जानना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विधायक मंत्री साहब से इस चीज को सुन रहे हो, आप बताइए उत्तर प्रदेश में केवल एक मुख्तार अंसारी ही है? एक मुख्तार अंसारी बता दीजिए हमें, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी ही क्यों? क्या आपके पास कोई और चेहरा नहीं है? मुख्तार अंसारी ही क्यों? अरे रात भर से चलने जाते हैं, जिस पार्टी के विधायक रहे, जिस पार्टी के विधायक
हटाए गए उस पार्टी से तो निष्कासित कर दिए गए हैं। बाबा की पुलिस नहीं रोकती है, नहीं क्योंकि मऊ में उनका सिक्का चलता है, इसलिए किसी से मिलने जाते हैं तो बाबा की पुलिस उनकी कार्रवाई। नहीं, गलती तो यही है कि आप सुन नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, गलती यही है कि आप सुन नहीं सकते। कावेर जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन ही रहा हूँ, हमारी क्या सुन रहा कोई जी। भार्गव साहब, आप एक बात ये बताइए कि 2019 में तो गठबंधन आपने किया बीजेपी से, उसके बाद अभी भी खबरें आ रही थी कि आप लोग बीजेपी से बात करना चाह रहे हैं, ओबीसी की पीठ पर आप छुरा भोंकते हैं, सपा के साथ आप मिल जाते हैं। हमको ये बताइए, नहीं आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपका ही जवाब देना चाह रहा हूँ, 2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा है। नहीं तो क्यों भरोसा जताया आपने? 13 अप्रैल 2019 को आदरणीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी ने इस्तीफा दे दिया था, और 19 मई 2019 को आदरणीय योगी जी कहते को हमारी कैबिनेट के हिस्सा नहीं है। आज एक महीना पहले जो कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे देता उसी समय क्यों नहीं इन्होंने किया? ये सब पिछड़े दलित माइनॉरिटियों के वोट लेने का भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भागीदारी संकल्प मोर्चा गायब हो चुका है, पिछड़ों को कहते हैं गायब हो चुका है। भार्गव साहब, अब बच नहीं सकते। देखिए, हम आपको काजोल जी बताना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चार दलित चेहरा उजागर हो गया है। ये पिछड़ों का चेहरा तो आपका उजागर हो रहा है, पिछड़ों का विनाश क्या कर रहे हैं? तैयार बैठी है ओम प्रकाश राजभर, क्या कर रहे हैं? वो किसी के नहीं हो रहे हैं, थाली का बैंगन हो गए हैं। नहीं, आप बताइए ओम प्रकाश राजभर जी, आप बताइए किसके नहीं हुए, हमको बताइए किसके नहीं हुए, आप बताइए हमको, आप हमको बताइए किसके नहीं है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता, गरीब वंचित समाज की अगर आवाज उठाना विरोधी कहलाता, बगावत कहलाता है तो हम स्वीकार करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की आवाज उठाने वाला अगर इस तरह की बात करता है तो हम स्वीकार करते हैं। बेरोजगारों की आवाज उठाने वाला अगर ऐसी बात हम स्वीकार करते हैं। आप मुसलमानों के तैशी बन रहे हैं, मुख्तार अंसारी का समर्थन कर रहे हैं, ओबीसी से आपने पूछा था, ओबीसी से आपने पूछा था, नहीं पूछा? देखिए ऐसा है, हमने आपको बताया, नहीं आप ऐसा ऐसे मत करिए, हम फिर आपको बता रहे हैं, वो ओबीसी जी हमारे पार्टी अभी अपनी पार्टी को नेता है, वो सोचते हैं उनकी मर्जी है। नहीं तो आपके तो दोस्त हो रहे थे ना, वो दोस्ती की आपने, पीछे पीछे बोला, फिर पीछे बोला कि हम हाँ समर्थन देंगे, फिर पीठ पीछे ही यहाँ पर छुरा घोंप दिया। अरे ये तो छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है और झूठ बोलने में माहिर भारतीय जनता पार्टी है। नहीं 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 भार्गव साहब, आपसे जब भी बात होती है ना आप भागने की कोशिश करते हैं, ओबीसी के नाम से डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए देखिए कागज जी ओबीसी जी पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ। नहीं 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 भार्गव साहब, नहीं नहीं नहीं, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, आप सवालों से बच जाते हैं। ओबीसी के नाम पर आप कहीं ना कहीं अब चुप हो गए हैं, अब आपकी आवाज नहीं निकल रही है, अब मुखर अंदाज नहीं दिख रहा है। नौकरियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाती है कानून? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, उत्तर प्रदेश में ठीक है ठीक है, बताइए इनको, ठीक है ठीक है। ओबीसी पर आप नहीं बोलेंगे, ओबीसी पर आप नहीं बोलेंगे, मैं जितना मर्जी पूछ लूं आप ओबीसी पर नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी रंजिश जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है, 2022 में विधानसभा चुनाव है, एक दूसरे को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि ये राजनेता क्यों आखिर ऐसी हिमाकत करते हैं कि जो माफिया है, जो डॉन है, उसे अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने हैं उनकी पीठ में चुरा भोंकते हैं, पहले कहते हैं कि हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे गठबंधन करेंगे, लेकिन चले जाते हैं सपा के पास, फिर कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जिस पार्टी के विधायक रहे वो पार्टी की मुखिया कह रही हैं कि हम पार्टी से उन्हें निष्कासित करते हैं, लेकिन ये उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मऊ में सिक्का चलता है। तो ऐसे में ये राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। सही कहा है कि जब राजनीति होती है तो फिर कौन अपना है, कौन पराया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।